18 जुलाई दिन गुरुवार। खबर के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में रेलवे की सुविधाओं समेत अन्य चीजों से हटा जीएसटी। बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग से मिले ये निर्देश। बिहार में एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी डेंगू जांच। एसटीईटी 2024 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की। बिहार में थमा बारिश का दौर। अंतिम तारीख से पहले आईटीआर फाइल नहीं किया है तो देना पड़ सकता है जुर्माना। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को हुआ फायदा। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी ने इंजीनियर के 784 पदों पर निकाली भर्ती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 784 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के तहत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://mahatranseo.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड पर यात्रियों की होगी डेंगू जांच। बिहार में डेंगू को लेकर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। डेंगू के मरीजों की पहचान कर इनके समुचित इलाज की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मरीजों की पहचान एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म सहित बस स्टैंड और अन्य जगहों पर जांच के जरिए की जाएगी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने कई और निर्णय लिए हैं। इस दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति के राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी को एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टैंड पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने को कहा गया है, जिससे यात्रियों में संभावित डेंगू मरीजों की जांच की जा सके। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय, सदर अस्पताल और प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रखे जाएं। ब्लड प्लेट्स की उपलब्धता, दवा और जांच किट और अन्य जांच की व्यवस्था, लार्वीसाइडल का छिड़काव आदि सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जिलों में पोर्टेबल थर्मल फॉगिंग की उपलब्धता करवाई जाएगी। बिहार में रेलवे की इन सुविधाओं समेत अन्य चीजों से हटा जीएसटी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर अब राज्य सरकार ने अपने स्तर से लगने वाली जीएसटी को हटा दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा डोर मैट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी चालित वाहन से भी जीएसटी हटा दिए गए हैं, जिससे अब ये सुविधाएं लोगों को सस्ती पड़ेंगी। पहले प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए 10 रुपए देने होते थे, इसमें 5% जीएसटी था, जिसे हटाने पर प्लेटफॉर्म टिकट में 1 रुपए की कटौती की जा सकती है। इसके अलावा हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। यदि किसी छात्र पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए तक हॉस्टल सेवा फीस देने पड़ते हैं तो इन्हें जीएसटी में छूट दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बात का निर्णय हुआ है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन कर रही थी। इससे संबंधित अधिसूचना भी राज्य के वाणिज्य कर महकमा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे छवि पांडे के बारे में। छवि एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और गायक हैं। इनका जन्म आज के दिन हुआ था। ये स्टार प्लस के धारावाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी में स्मिता के किरदार में नजर आई थी। जी टीवी के धारावाहिक बंधन में ये रिया का किरदार निभा चुकी हैं। इन टीवी सीरियल्स के अलावा ये अनुपमा, एक बूंद इश्क, ये है आज के सिलसिला प्यार का, काल भैरव, रहस्य आदि में भी नजर आ चुकी हैं। बिहार के इन जिलों में जल्द शुरू होगा बाईपास का निर्माण कार्य। पथ निर्माण विभाग ने बिहार में सुलभ संपर्क योजना के तहत 25 योजनाओं के लिए 676.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसमें 5 बाईपास का निर्माण 127.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इन बाईपास का निर्माण जल्द ही बेगूसराय, कैमूर और कटिहार जिले में शुरू होगा। फिलहाल इसे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। इन बाईपास का निर्माण कार्य इसी साल शुरू होने की संभावना है और अगले साल तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जिन योजनाओं को विभागीय मंजूरी मिली है, उन योजनाओं में सड़कों की मरम्मत और छोटी लंबाई में सड़कों का निर्माण शामिल है। बिहार की नदियों के जलस्तर में दिख रही उतार चढ़ाव की स्थिति। बिहार के नदियों के जलस्तर में अभी भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई नदियों के किनारे बसे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति तो कुछ जगहों पर कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी क्रम में वीरपुर के कोसी बराज के 19 फाटकों को खोला गया है। मंगलवार को कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ा दिखा, वहीं बुधवार को ये घटते क्रम में दर्ज किया गया। बुधवार को 12 बजे कोसी के बराह क्षेत्र में घटते क्रम में 102,350 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। एसटीईटी 2024 के पेपर 2 का जारी हुआ आंसर की। बीते दिन बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2024 के पेपर 2 की आंसर की जारी कर दी गई है।
वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com पर आंसर की के साथ रिस्पॉन्स सीट अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे पेपर दो की आंसर की चेक कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 17 से 20 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर आंसर में किसी तरह की कोई त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। आपत्ति दर्ज करवाने वाले उम्मीदवारों को ₹50 देने होंगे, फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुए है, लेकिन 25 जुलाई तक इसके जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले संस्था और कलाकार किए जाएंगे सूचीबद्ध। प्रदेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने वाले संस्था और कलाकारों को कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से सूचीबद्ध किया जाएगा। इन कलाकारों में पारंपरिक लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत, नाटक, लोक गाथा और अन्य कलाकार शामिल किए जाएंगे। विभाग ने सभी कलाकारों को इसके लिए आमंत्रित किया है। कलाकारों को सूचीबद्ध करने का उद्देश्य बिहार में और राज्य के बाहर बिहार की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए विशेष अवसरों पर उत्सव, महोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है। इससे कला के क्षेत्र में बिहार के सर्वोत्तम प्रतिभाओं की पहचान भी हो सकेगी। जिन संस्थाओं और कलाकारों का चयन होगा उन्हें मानदेय भी दिए जाएंगे। बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग से मिले ये निर्देश। बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने लेटर लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक सप्ताह तक प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान का मॉप अप अभियान चलाया जाए। टोले के महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा विद्यालय में सभी बच्चों की आधार संख्या सुनिश्चित कराए जाए। जिन बच्चों के अभी तक आधार नहीं बने हैं उन्हें चिन्हित किया जाए। कैंप लगाकर इन बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाए। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे रोहतासगढ़ किला के बारे में। रोहतासगढ़ या रोहतास दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। ये भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है, जो बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। ये समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य नजर आता है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोरा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेरा घाट है। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मान सिंह की कचहरी आज भी मौजूद है। यदि आपको ऐतिहासिक जगहों पर घूमना पसंद है तो आप यहां आ सकते हैं। अंतिम तारीख से पहले ITR फाइल नहीं किया तो देना पड़ सकता है जुर्माना। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यदि आप इन अंतिम तारीख से पहले अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। मालूम हो कि ITR वही लोग फाइल करते हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है या 2 लाख रुपए से ज्यादा वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर आपने खर्च किया है, 1 लाख रुपए से ज्यादा इस वित्त वर्ष में बिजली बिल आया हो, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में पैसे जमा हो या 50 लाख रुपए से ज्यादा बचत खाते में पैसे जमा हो। यदि आप अपनी ITR फाइल करने के योग्य हैं और बावजूद इसके आप अंतिम तारीख से पहले ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर पर नोटिस आ सकती है और हर महीने 1% का पेनल्टी देना पड़ सकता है। बिहार के हाजीपुर में रूसी सैनिकों के लिए बन रहे जूते। बिहार का हाजीपुर चिनिया केले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहां बनाए गए जूतों की चर्चा भी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी होने लगी है। बिहार के हाजीपुर में बनाए गए जूतों को रूसी सैनिक भी पहन रहे हैं। ये जूता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये जूते रूस के सैनिकों के लिए बना रही है। इस कंपनी में काम करने वाले 70% कर्मचारी महिला हैं। इस वजह से भी ये कंपनी लोगों के बीच चर्चा में आ चुका है। इन जूतों को रूसी सैनिक की जरूरत के मुताबिक बनाया जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी सुरक्षित माने जाते हैं। ये जूते हल्के तो हैं, साथ में फिसलने वाले भी नहीं है। इसके साथ ही ये -40 डिग्री तापमान में भी ठंडे मौसम को झेलने में कारगर है। जूतों की इस कंपनी की वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 100 करोड़ रुपए है। कर्नाटक में नौकरी की तलाश में जाने वाले युवाओं को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार से कई लोग नौकरी और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य और महानगरों की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन इसी बीच बिहार और यूपी के वैसे लोग जो नौकरी और रोजगार की तलाश में कर्नाटक जाते हैं उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कर्नाटक सरकार के कैबिनेट में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसके तहत कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय यानी कर्नाटक के लोगों को ही 100% का आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस बिल में ये भी साफ कर दिया गया है कि यहाँ स्थानीय में वही लोग आएंगे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ हो, 15 साल से राज्य में रह रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।
23 जुलाई को वेतन कटौती के विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी देंगे धरना। 23 जुलाई को वेतन कटौती के विरोध में शिक्षकेतर कर्मचारी धरना देंगे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी संघ का आरोप है कि कार्यरत और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती हुई है, जिसके विरोध में ये धरना देंगे। यहाँ भी ये आरोप लगा है कि महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि 10 से 15 वर्ष पहले जिनकी प्रोन्नति हुई है, उन्हें भी तृतीय वर्ग से चतुर्थ वर्ग में काम करते हुए वेतन सत्यापन कर दिया गया है, जबकि पद सत्यापन विश्वविद्यालय का विषय है। इसी के विरोध में आंदोलन होगा। बिहार में थमा बारिश का दौर। बिहार में अचानक बारिश का दौर थम चुका है और मॉनसून अब मध्य भारत की तरफ बढ़ने लगा है। एक बार फिर से बिहार में लोगों को गर्मी सताने लगी है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक बारिश की कोई खास उम्मीद नहीं है। हालांकि हल्के बारिश की संभावना प्रदेश में कुछ जगहों पर जताई गई है। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तो कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। जानिए वाहन का BH सीरीज नंबर प्लेट किन लोगों को होता है आवंटित। जिन लोगों के पास वाहन है, वे यदि किसी दूसरे शहर या राज्य में शिफ्ट होते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी को पंजीकृत करने में कई परेशानियां होती हैं। लेकिन अब लोगों की इस असुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत सीरीज नंबर प्लेट पेश किया है। ये नंबर प्लेट जिस भी गाड़ी पर लगी होगी वो पूरे भारत में मान्य माना जाएगा। इस BH नंबर प्लेट पर सबसे पहले 21, 22 या 23 जैसे अंक लिखे होते हैं। BH भारत को इंगित करता है। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनका ट्रांसफर दूसरे राज्यों में किया जाता है। निजी कंपनी के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं, जो ऑफिस के काम से दूसरे राज्यों में जिनका आना जाना लगा रहता है। हालांकि इन्हें कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। फर्जी खबर फैलाकर बिहार के कई खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए की हुई वसूली। बिहार के खिलाड़ियों से कुछ जालसाजों ने फर्जी खबर फैलाकर करोड़ों की वसूली की है। दरअसल 15 जून से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में इन जालसाजों ने बिहार क्रिकेट लीग के आयोजन की फर्जी खबर फैलाई थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के फर्जी लेटर हेड और सचिव जियाउल आरफीन के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल इन जालसाजों द्वारा किया गया था। इस फर्जी लेटर में लिखा था कि BCA ने जनसेवा फाउंडेशन को 1 अप्रैल से 30 जून के बीच बिहार क्रिकेट लीग कराने के लिए अधिकृत किया। बिहार में आज BJP के कई बड़े नेताओं का कार्य समिति की बैठक के लिए होगा महाजुटान। बिहार में आज BJP पार्टी के कई कार्यकर्ता और बड़े नेता आज पटना के SKM हॉल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेंगे। ये बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में सम्मिलित भाजपा के सभी मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में इन सभी पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संख्या 1500 के करीब में हो सकती है। इस बैठक में 4 एजेंडे पर विमर्श होगा। साथ ही PM मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनाने को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव पारित होगा। अपने पिता को खोने के बाद मुकेश सहनी ने जताया दुख। अपने पिता को इस तरह से खोने के बाद मुकेश सहनी काफी दुखी हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पिताजी से यहाँ 10 दिन पहले आकर मिले थे। उनके कान और घुटने में दर्द था। उन्होंने ये भी साफ किया कि राजनीतिक विवाद में पिताजी की जान नहीं गई है। मेरी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी तो पिताजी से कैसे हो सकती है। वे यहाँ अकेले रहते थे, अपने हिसाब से जीवन जीते थे। हम तो कई बार बोले थे कि मेरे साथ मुंबई या पटना रहिए, लेकिन पिताजी को गाँव ही पसंद। जन सुराज के संपर्क में रहने वाले कई राजद नेताओं को किया गया निलंबित। अभी हाल में ही ये चर्चा थी कि राजद के कई नेता जन सुराज पार्टी के संपर्क में हैं। राजद से जन सुराज के संपर्क में रहने वाले लोगों को राजद नेता जगदानंद सिंह ने भी चेतावनी दी थी। अब इस मामले को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी गंभीरता से लिया है और पार्टी के 5 नेताओं को 5 साल के लिए निलंबित कर दिया है। जो लोग पार्टी से निलंबित किए गए हैं उन पर पार्टी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा है। इसमें पवन भारती, मोहम्मद आफ्ताब, शिव कुमार, अजीत कुमार और आशा जायसवाल का नाम शामिल है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर राजद जिला अध्यक्ष CP यादव ने बताया है कि राजद पार्टी में रहते हुए उक्त लोगों ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ली है। 20 मार्च को पूरे बिहार में महागठबंधन निकालेगी आक्रोश मार्च। बीते दिन राजद कार्यालय में महागठबंधन के दलों की बैठक हुई। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान फैसला लिया गया कि 20 जुलाई को बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ महागठबंधन पूरे राज्य में आक्रोश मार्च निकालेगा। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में से राजद, कांग्रेस, माले और VIP सभी दलों के नेता इस मार्च में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि विपक्षी नेता बिहार में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में ये आक्रोश मार्च निकालेंगे।
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को हुआ फायदा। बीते दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने अपने ताजा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को ऊंची रैंकिंग प्राप्त हुई है। दोनों खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद 5 पारियों में 170 बनाने के कारण वे 36 पायदान ऊपर चढ़कर सीधे 37वें स्थान पर आ पहुंचे हैं। वहीं सीरीज में 141 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल 4 पायदान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ चुके हैं। T20 नंबर 1 बल्लेबाज में ट्रेविस हेड और दूसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। आज के दिन वर्ष 1980 में भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था और टेलीविजन से पहला रंगीन प्रसारण मद्रास में किया गया था। आज के दिन वर्ष 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। आज के दिन वर्ष 2003 में वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 500 रुपए के नोट पर अगर स्टार सिंबल है तो ये नोट नकली है। कई लोगों को इस तरह के नोट बाजारों में मिले हैं। अगर आपको भी मिलते हैं तो अलर्ट रहें और समय रहते इसे तुरंत वापस कर दें। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। स्टार चिन्ह वाले ये 500 के नोट 2016 से ही प्रचलन में है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। इस सस्ते रिचार्ज प्लान से OTT पर आप देख सकेंगे अपनी फेवरेट मूवीज और सीरीज। यदि आप घर बैठे ही अपनी कोई फेवरेट मूवी या वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है। इसके लिए हमें ना जाने कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी अपने यूजर को फ्री OTT सेवा दे रही है। इन यूजर्स को OTT सेवाओं की यह सुविधा 200 रुपए से भी कम पैसों में मिल रहे हैं। यदि आप 175 रुपए का रिचार्ज जियो पर करवाते हैं तो ये आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 10GB डेटा ऑफर करता है। यहाँ रिचार्ज के बाद आप सोनी लाइव, G5, जियो सिनेमा प्रीमियम, लाइन गेट प्ले और डिस्कवरी जैसे 12 OTT ऐप शामिल हैं जिसे देख सकते हैं। ध्यान रखें, इस रिचार्ज में आपको कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं मिलती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है प्रयागराज। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? ऑप्शन है 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 344 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 362 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 372 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 344 किलोमीटर। निम्न में किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगती हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है अंशु कुमारी, विनय कुमार, अनवर करीम खान, शिव शक्ति, रंजू कुमारी, राजीव कुमार, पूनम लता, राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, कृष्णा प्रसाद, शशि कुमार यादव, अतीक खान, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रोजगार का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।